कौन करते हैं। पहले इसमें लाइट नहीं आ रही थी ना, अभी स्विच को दबाते सब में लाइट आ जाएगी। एक सेकंड रुको, देखो उसमें आ गया ना। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी यार हमने एक चीज़ कर रहे हैं, अभी अपने गाड़ी का चार्जिंग पॉइंट काम नहीं कर रहा है। जो मैं इसमें मारुति गाड़ी प्रॉब्लम आते हैं ना, चार्जिंग सॉकेट के अंदर फोन में चार्ज करते हैं, वो अभी काम नहीं कर रहे, इसमें लाइट नहीं आ रही है। बाकी सब प्रॉपरली काम कर रहे हैं, इसमें अभी लाइटनेस नहीं, वो अपने रिपेयर करते हैं। मतलब मैक्सिमम सब गाड़ी यही होता है मारुति, जैसे कि अपने जो नेक्सा गाड़ी होती है ना, सियाज होगी, ब्लेंडर होगी, एक्सएल सिक्स होगी, इन सब गाड़ियों का सेम पॉइंट होता है। अभी आपको दिखाते हैं, इसके दो पॉइंट होते हैं, इनको ठीक करने लिए, अंदर के इंटरनल प्रॉब्लम के अंदर का ही देख रहे सॉकेट, और जो बाहर जो प्रॉब्लम होती है ना एक्सटर्नल की, उनके पॉइंट सारे बाहर होते हैं। अभी आपको दिखाते हैं, जैसे अभी आप ना देख सकते हो अपने गाड़ियों में प्रॉपर लाइट आ रही है, बट इस वाले पॉइंट है ना, इसमें लाइट नहीं आ रही, इसकी लाइट नहीं जल रही। और इसमें लाइट होती है तो अपने केबल है ना, केबल के अंदर लाइट जलती है। और ये साइड जो पॉइंट दिखा रहे हैं ना, ये अपने गाड़ी का पॉइंट है, मतलब जैसे रेड इससे चलता है एफएम से, इसमें चला लगा के दिखा, देखो इसमें लाइट जल रही है। अभी देखो सब में लाइट चल रही है प्रॉपरली, अब देखो इसमें लगाने बात है ना, इसमें लाइट जल जाएगी, देखो हो गई लाइट ऑन, और इसके अंदर लाइट नहीं आ रही, सैडल इसमें लाइट नहीं आ रही। अब इसको ठीक करते हैं, इसका जो सॉकेट है ना अपने नीचे ही मिलता है गाड़ी, जैसे हमने ये खोलने बाद यहाँ पे नीचे से ये खुलता है, ऐसे ये यहाँ मिलता है, जैसे हमने इसको पॉइंट को भी खोल लिया, ये दिख रही है, इस सीजन कहीं नहीं जाना, इस साइड से पढ़ लो। अब ये ACC 15A है ना, ये इसको ओपन करना है भाई, यही बस इसका ये दिखा रखा है, अभी आपको करके दिखाते हैं। और ये अपनी गाड़ी में एक यूनिट होती है, जैसे हमने इसे खोले ना, ये मतलब एक्सटर्नल जितने प्रॉब्लम होते हैं, जैसे बाहर की लाइट होगी, जो रिले लगी हुई है, ये सब रिले का काम करते हैं। जो रिले वाला सिस्टम होता है ना, वो सारा बाहर से ऑपरेट होता है अपने, जैसे कि लाइट होगी, इसका ये फैन हो गया, जितनी चीज़ दिखा ना रिले यूज होते हैं, वो चीज़ बाहर से हमें खाली। अब इसका डब्बा खोले इसमें फ्यूज लेने के लिए, क्योंकि अंदर अपने जो फ्यूज है ना, वो फ्यूज चेंज कर रहे हैं। इस डब्बे का हमें कुछ नहीं छेड़ना, क्योंकि वो वहाँ से प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे प्रॉब्लम अंदर वाले से हैं, जैसे दिख रहा है ना। अभी मैं इसको लाइट ऑन कर दिया, रुको आप, जैसे अभी आप देख सकते हो ये लगने फ्यूज, अभी अपना जो लग रहा है इधर साइड 15 नंबर का, ये चेंज करेंगे हम यहाँ पे, इसको चेंज कर से ओपन हो जाएगा। यार थोड़ा मुश्किल होगा ना, जगह यहाँ पे कम रहती है नीचे, यहाँ लेट कर इसको चेंज करना होता है, इसमें थोड़ी जगह कम है, तो इसको मैं पहले चेंज करके फिर आपको दिखाता हूँ। अगर यार दोनों काम ऐसा धोने पाए ना, कैमरा और ये दोनों काम ऐसा नहीं होंगे, इससे ब्लू वाले को निकालना है, अभी करते चेंज। अभी ना आप इस फ्यूज को देख सकते हो, इसमें ना बिल्कुल वो नहीं दिख रहा है, यू करने से सेफ होता है ना, ये प्रॉपर क्या अंधेरा होता रहा ना, इसलिए लेंस भी आने रहा यार ये फोकस में। हाँ देखो देखो, इसमें ना एक वो यू का सेफ से होता है ना, वो भी दिख नहीं रहा, इसके अंदर बिल्कुल साफ दिख रहा है, जिसका हम दूसरे को देखते हैं। देखो इस दूसरे पूरा यू का सेफ दिख रहा ना, ये दिख रहा, उस वाले में नहीं दिख रहा, क्योंकि इसके अंदर ये है ना, इसका फ्यूज उड़ चुका है ये। और कभी देखना, जब चार्जिंग का कभी पॉइंट दिक्कत है ना, तो ये ACC 15 के नाम से यही होता है, खाली 15 नंबर के पॉइंट डलते, और मतलब कि कुछ नहीं, यही आपने बस ये चेंज कर दिया हमने। इसमें जूम में यार थोड़ी दिक्कत आ रही नाइट टाइम में, ये वाला 15 नंबर का ये हमने चेंज किया, ये थोड़ा जल गया था, इसमें भी कुछ नहीं है, अपने चेंज कर दिया, दिखाते हैं आपको चला करके। वो पूरे को सेट कर देते हैं, ये इसके सहायता से हमने निकाला था, उसको किया था पूरा अपनी गाड़ी को, ओके हो गया। अब इसको बंद करते हैं, सॉरी इसको ऐसे इसको बंद करते हैं, क्योंकि फ्रंट वाले को कोई यूज था नहीं चीज़ में, जिन्हें इंटरनल दिक्कत आती है ना गाड़ी के अंदर, चार्जिंग दिक्कत आ गया, बाहर बैक लाइट जो दिक्कत आई, वो सारे अंदर से ठीक होते हैं। और ये सियाज XL6 साढ़े सौ देख लो, अपने स्टेयर नीचे जगह होते हैं, यहाँ पे खुल के ठीक होता है ये, ये छोटा सा कप होता है, इसमें भी फिट कर दिया, यहाँ पे होता है सिस्टम सारा, ये इसको ब्लैक टेप को हटा के जब काम करना पड़ता है, ये कैप हटानी पड़ती पहले। चलो पहले हमने फ्यूज लगा दी, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, जब यहाँ पे लिखा हो ना, एक सेकंड, ये नंबर, ये अपने USB चार्जर को होता है, ACC 215 एम्पीयर, ये हमारा फ्यूज जुड़ा हुआ था, जो हमने अभी जस्ट अभी चेंज किया है। और देखो अभी ना इसको ऑन करते हैं, पहले इसमें लाइट नहीं आ रही थी ना, अभी स्विच को दबाते सब में लाइट आ जाएगी। एक सेकंड रुको, देखो उसमें आ गई ना लाइट, वो पहले नहीं जल रहा था, उसमें लाइट आ गई, अपने इसके अंदर चार्जिंग में पॉइंट में लाइट आ गई। बस सीधा से अगर आपको कभी भी USB पॉइंट उड़ता है यहाँ से ब्लेंड नेक्स्ट गाड़ियों का, तो इधर मिलेगा आपको, और जितने भी अपने स्विफ्ट और डिजायर ब्रज मिलेंगे ना, उनका एक ग्लव बॉक्स हटा करके इसको खोल के उस कोने में वहाँ पे निकलेगा, आपको हटाओ ग्लव बॉक्स हटाओगे तो नीचे वहाँ मिल जाएगा बोर्ड लगा उसका, जो मेरे पास पहले डिजायर था उसका वहीं पर था, और बाकी इन गाड़ियों के यहाँ पर मिलता है। मतलब आपको एक ही चीज़ समझनी है, एक सेकंड बताता हूँ। आई होप आप लोग इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी, मैंने आपको वीडियो में अच्छे से सब कुछ बताने की कोशिश की है, मतलब जितने मारुति की गाड़ी मिलती है नेक्सा के अंदर, उन सब का आपको ड्राइवर के नीचे मिल जाएगा फ्यूज बॉक्स सारा। और जैसे कि अपने ये जो मारुति मिलते हैं, ब्रेजा होगी, स्विफ्ट होगी, और ये अपने जो में आते ना वैगनार होगी, उन सब गाड़ियों का आपके नीचे ग्लव बॉक्स होता है, उधर मिल जाएगा सब कुछ, आप कभी भी चेक करके देख सकते हो, मतलब आपको मैंने अच्छे से बता दिया। और जितने मतलब कि ये USB का पॉइंट होता है ना, जितने अंदर गाड़ी इंटरनल जो पॉइंट होंगे, जिसको ऐसे लाइट काम नहीं कर रही या फिर मीटर को लाइट दिखा रहे, तो पहले फ्यूज बॉक्स पूरा चेक कर सकते हो आप, कौन का फ्यूज उठ रहा है, और बाकी सब इन्फॉर्मेशन ऊपर पीछे लिखी रहती है, आप इसको पढ़ भी सकते हो, ना समझ में आए तो अपना एक एक फ्यूज निकाल के फिर से चेक कर सकते हो, ज़्यादा माथा पच्ची की ज़्यादा जरूरत नहीं है।
और भाई ज़्यादा समझ ना आए तो फिर तो अड़ मिस्त्री आई, और छोटे मोटे पैंट तो आप यहीं से देखे खुद से कर सकते हो। चलो फिर ठीक है, मारुति गाड़ी का सबका मैक्सिमम यही होता सिस्टम, ये जितना अंदर के फ्यूज है वो अंदर से चेक करो, और बाहर का वो सिस्टम कोई पंप काम नहीं कर रहा, कोई दिक्कत आ रही है, रिले काम नहीं कर रही, फैन काम, तो बाहर से चेक होता है। चलो भाई इस लोग इस वीडियो को भी पेंट करते, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग इन्फोर्स पसंद आई हो तो अपनी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने चैनल को। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, गुड नाइट।